अंग्रेजों ने चलाई थी पंजाब में गोलियां, वो हिंदुस्तान पर दाग था, आज भी याद आता है वो मंजर, उसका नाम जलियांवाला बाग था। नमस्कार आप सभी को, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड की पूरी कहानी। वही दिन था जब हजारों मासूमों की जान एक झटके में चली गई थी। जलियांवाला बाग नरसंहार कांड बैसाखी के 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। पंजाब समेत देश के अलग अलग हिस्सों के लोग अमृतसर पहुंचे थे। वहीं इसी दिन दो लोकप्रिय नेताओं की गिरफ्तारी और रॉयल एक्ट का विरोध करने के लिए एक सभा हो रही थी। बैसाखी का दिन था, ऐसे में लोग गोल्डन टेंपल के दर्शन के बाद धीरे धीरे जलियांवाला बाग में जुटने लगे थे। कुछ वक्त में हजारों की भीड़ इकट्ठी हो चुकी, लेकिन इसी दौरान ब्रिगेडियर जनरल डायर को मालूम चला कि बाग में कोई मीटिंग हो रही है, तो ऐसे में गुस्सा ही जनरल डायर जलियांवाला बाग की तरफ पुलिस के साथ आगे बढ़े। जलियांवाला बाग के गेट की ओर सकरा रास्ता पुलिस के सिपाहियों से भर चुका था। जनरल डायर ने बिना किसी वार्निंग के सिर्फ एक शब्द फायर कहा और एक झटके में हजारों जिंदगियां खत्म हो गई। गोलियों से बचने के लिए लोग बाग में मौजूद कुएं में कूद गए। बताया जाता है कि 120 लाशें कुएं में से निकाली गई थी, जिनमें बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, पुरुष, काफी लोग शामिल थे। आपको बता दें कि कुछ लोग दीवार पर चढ़कर बाग से बच निकलने की कोशिश की, लेकिन वो सभी गोलियों से बच नहीं सके। भले ही आज हत्याकांड को 101 साल पूरे हो गए, वहीं दीवारें दिखाई देने, गोलियों के निशान, दरिंदगी की कहानी आज भी वहां बयां करती है। मीडिया रिपोर्टर के मुताबिक 10 मिनट में 1650 राउंड गोलियां चलाने के बाद जनरल डायर अचानक रुक गए थे, क्योंकि उसके सैनिक की गोलियां खत्म हो चुकी थी। इस हत्याकांड के सबसे बड़े गुनहगार ब्रिगेडियर रेजिनाल्ड जनरल डायर और लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर थे। 1927 में बीमार की वजह से रेजिनाल्ड डायर की मौत हो गई। अंग्रेजों के आंकड़े बताते हैं कि जलियांवाला बाग कांड में 379 जिंदगी खत्म हो चुकी थी, लेकिन असल में यहाँ हजारों लोग मारे गए थे। लेकिन माइकल डायर अभी भी जिंदा थे और ब्रिटेन लौट चुके थे, लेकिन एक नौजवान लगातार उनका पीछा कर रहे थे। आखिरकार 21 साल बाद उस नौजवान ने एक भरे हॉल में माइकल डायर को गोली मार दी और जलियांवाला बाग का बदला आखिरकार पूरा कर लिया। आपको बता दें कि वो नौजवान थे और उनका नाम उधम सिंह था। आज से इस हत्याकांड को 101 वर्ष पूरे हो गए। न्यूगी नहीं मिली आजादी, बहुतों ने रक्त भान में, कहीं वीर खड़े थे तब जाके आजादी पाई है। आओ नमन करें उन योद्धाओं को जो शहीद हुए, जलियांवाला बाग हत्याकांड के शहीदों को शत शत नमन, धन्यवाद।